तो अभी देखिए इधर में ये लोग टेस्ट करेंगे तो बताएंगे कैसे खाना है। और ये देखिए दोस्तों, अभी मैं भी खा के दिखता हूँ। हेलो दोस्तों, यूआर व्लॉग में सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। हमारी ओर से आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में दोस्तों खुश होंगे। तो दोस्तों देखिए अभी बारिश मस्त खुल गया है, हमारे गांव का लोकेशन देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और अभी हमारे उर्मिला भी क्या करने वाली है दोस्तों, तो आप लोगों को जरूर दिखाएगी। हाँ, उर्मिला हाँ। क्या करने वाली है तो आप लोग वीडियो में देखो, हम लोग दिखा रही हूँ मैं क्या करती हूँ क्या नहीं है। और आप लोग पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, आज का वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना दोस्तों। अभी फिलहाल हम लोग जो लाए थे उर्मिला के घर से दोस्तों, काजू के बीज लाए थे, तो हम लोगों को अभी याद आ गया। तो निकुंज बोल रहा है, तो निकुंज को अभी भूज के मांग रहा है, खाने का मन हो गया है निकुंज को। तो दोस्तों तो अभी हम लोग अभी इधर में आग जलाएंगे दोस्तों, तो इधर में लाके रखी है। तो निकुंज बीज लाइए, तो अभी बीज हम लोग भूज रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे लाए थे लेकिन ख़त्म कर दिया दोस्तों, इतना ही सारा बचा है। पूरा झोला भर के लाए थे, ये देखिए ये काजू के बीज है दोस्तों, बहुत मस्त है, है? और ये भूजेंगे फिर इसको फोड़ना है दोस्तों, और फोड़ के निकुंज खाएगा। तो उर्मिला देखिए अभी आग जला रही है, उर्मिला इधर में आग जल जाएगी तो दोस्तों ऊपर में उर्मिला डाल देगी। और दोस्तों देखिए हवा के कारण से आग नहीं जल रही थी, तो मैं राकेश जी को बोल दी हूँ कि वही जलाएगा। जला दिया, पप्पू पास हो गया तो उसने जला दिए राकेश ने आग। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आग अभी थोड़ा थोड़ा जलने लगा है, और थोड़ा बहुत धुआं भी निकल रहा है, और ये राकेश जी इंतजार कर रहा है। लेकिन उर्मिला ने बहुत लफड़ा वाला काम कर दिया है, ये काजू के बीज है ना ऊपर से वो नहीं डाल दिया, इसके लिए दब गई है। आप तो बिल्कुल आप तो महाराज जैसे लग रहे हो, एकदम पूजा करने बैठे हो ऐसा लग रहा है। अभी आग बरोबर जलने लगा है, अभी भूज जाएगी बीज। हाँ तो मैं तो थोड़ा खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि ज़्यादा आग जलने की वजह से ये फटती है। देखिए कैसे कर रही है, ओ माय गॉड। तो इसके अंदर से तेल निकलता है ना, तो फटता है जैसा, इसकी वजह से आग बुझ जाती है ना। कैसे कर रहे हैं देखिए, पूरा आग की वजह से। तो दोस्तों देखिए आप लोग देख सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और काजू की बीज जब जलने लगती है तो कैसे जल रही है। और राकेश जी निकालना चालू कर दिया है क्योंकि ज़्यादा जलने की वजह से वो खराब हो जाती है। कुछ पूरा घूम रहा है इधर उधर से, इसको सोच रहा होगा मैं कहाँ से खड़ा हो जाऊँ। जबरदस्त आग अभी जल गई है, राकेश जी धीरे धीरे करके सब एक एक करके बीज निकाल रहा है। फिलहाल तो पूरी बीज भूज के रख दिए राकेश जी ने, तो कैसा लग रहा है अभी? अभी अच्छा लग रहा है लेकिन गर्म है, अभी फोड़ना पड़ेगा। हाँ। अभी देख पत्थर लाके दिया है निकुंज ने। हाँ। जो एक थाली लेके आ जा। देखिए दोस्तों पहले बीज फोड़ दिए राकेश जी ने, और ये देखिए निकाल के दिखा रहा है, बहुत अच्छी मस्त। और ये देखिए कितनी अच्छी है ना। तो दोस्तों देखिए अभी राकेश जी गर्म ज़्यादा लग रहा है ना, और निकुंज भी इधर से काम कर रहा है क्योंकि बीज फोड़ के कम्प्लीटली रेडी हो गई है। एक थाली भर के इधर में राकेश जी ये छिलका उठा रहा है क्योंकि ये आग जलाने के लिए काम आएगी। हाँ दोस्तों देखिए काजू की भी फाइनली हम लोगों ने फोड़ लिया है, देखिए इतनी सारी फोड़ लिया है, अभी निकुंज खाएगा। दोस्तों काजू की भी खाने में बहुत मजा आता है देखिए, लेकिन मेरा हाथ तो देखिए कितना काला हो गया है। तो दोस्तों देखिए निकुंज इधर में खाने के लिए बैठ गया है, वो बीज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
मजा आ गया होगा आपको। और कितनी सारी है दिखाइए, पूरी थाली भर के है ना, आप तो एकदम खुशम खुश हो गए होंगे, मन ही मन में मुस्कुरा रहे हो। हाँ देखिए तो निकुंज को खाने दो दोस्तों, तब तक वीडियो में बने रहिए। तो हेलो दोस्तों, हम लोगों ने काजू के बीज भुजी थी और निकुंज को खाने के लिए दिए थे दोस्तों, और मैं भी थोड़ी बहुत खा लिया। तो दोस्तों अभी उर्मिला अभी क्या बनाने जा रहे हैं तो आप लोगों को मैं वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों अभी उर्मिला इधर में है, अभी क्या बनाने वाली है दोस्तों, तो अभी उर्मिला को पूछते हैं क्या बना रही है। तो आज मैं गेहूं के आटे की चिक्की बनाऊंगी। हाँ चिक्की नहीं होगी फिर भी सुकड़ी हो जाएगी ऐसा। सुकड़ी नहीं चिक्की बनाना, तो अभी देखते हैं कैसे होती है। तो दोस्तों अभी कढ़ाई में तेल डाल रही है उर्मिला, तेल डाल दिए, काजू के बीज खा लिया है। कैसे लगे निकुंज? अच्छी लगी। निकुंज का मन था काजू के बीज खाने के लिए, तो निकुंज को भी थोड़ी बहुत बचा के रखी हूँ क्योंकि चिक्की में डालूंगी तो उसका भी टेस्ट आएगा, इसके लिए चिक्की में डालूंगी थोड़ा। हाँ। निकुंज को सब नहीं खाने दी। और दोस्तों अभी तेल गर्म हो गया है, तो देखिए तेल में से थोड़ा थोड़ा उबाल आने लगा है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा उबाल आने लगा है, तो इसमें अभी मैं गेहूं का आटा डाल देती हूँ। और देखिए एकदम मस्त मैं डाल दी हूँ, और एकदम से इसको अच्छे से इससे मिक्स करूँगी। इसको थोड़ा फ्राई करना है तेल में इसके लिए। और दोस्तों क्या है ना, हमारे पास घी नहीं है, गाय तो है लेकिन हम लोग घी नहीं बनाते हैं। तो ऐसे ही तेल में हम लोग इसको फ्राई करेंगे। मिक्स होने लगा है और इसको 5-10 मिनट इसको मैं अच्छे से फ्राई करूंगी दोस्तों। तो हाँ। शक्कर को थोड़ा टाइम लगता है इसमें, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। इतना अच्छा बन गया है, और ये देखिए गढ़ाई में भी एकदम से बहुत अच्छा रसीला लग रहा है। ये शक्कर का पानी और शक्कर ऐसे बनाई के लगना चाहिए सबको, इसको देख के गोड़ बनाया है। तो अभी मैं इसमें ये जो सुकड़ी है, तो शक्कर पिघल गया है, तो ये इसके ऊपर से मैं डालूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी दोस्तों। और ये मैं पहले से फ्राई करके रखी हूँ इसको एकदम से, तो ये कच्चापन इसका निकल गया है, तो अभी मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा कलर आया है, एकदम से मस्त लग रहा है एकदम। देखते हैं मेरी चिक्की कैसे बनती है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए एकदम से रेडी हो गया है ये, और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं अभी निकालूंगी और एक थाली में ऐड कर दूंगी। तो इधर से मैं थाली भी रखी हूँ। तो देखिए राकेश जी ने ये काट के रखा है, तो ये बादाम है ना? हाँ बादाम है। तो राकेश जी बोला बादाम है, और ये काजू है, ये काजू है। देखिए कितना सारा काजू डालेंगे, एकदम रेडी हो गया है। हाँ। बहुत गर्म है दोस्तों। हाँ, तो ऐसे पकड़ से पकड़ के हिला रहा है, तो रहने दो, अभी इसमें थोड़ा ऊपर से डाल दो काजू और बादाम। तो ये थोड़ा जम जाएगा तो और अच्छा रहेगा, है ना? देखिए दोस्तों पूरा दबा देना है ऐसे, और ये जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक दोस्तों काटूंगा नहीं मैं, अभी तो बहुत गीला है दोस्तों। ये पूरा ठंडा हो जाएगा तब चाकू से काटेंगे, मस्त चिक्की की टाइप बनाएंगे दोस्तों। लेकिन पहले मैं दबा देता हूँ जो काजू और बादाम जो डाला है ना दोस्तों। हाँ। वो पूरा मैं दबा देता हूँ पहले, को ठंडी करने के लिए हम लोग रख देंगे दोस्तों। तो ठंडी हो जाएगी तब हम लोग चाकू से काटेंगे दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरा एंड तक वीडियो देखने का दोस्तों। ये चिक्की कैसी बनती है, काटने से अच्छी निकलती है या दोस्तों नहीं निकलती है? तो देखिए ये चिक्की एकदम कम्प्लीटली बन के रेडी है, और गरम ज़्यादा है इसके लिए हम लोग इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे।
आधा घंटा है ना। हाँ। तो राकेश जी भी उसको भी खाने का मन जैसा कर रहा है, एकदम उसको ही ताक रहा है। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, बने तो शॉर्ट के काट रहा है, मैं उसको बोली कि थोड़ा थोड़ा काटते हुए लेके जा, ये तो टूट जाएगी बाद में, है ना। हाँ हाँ, हाँ तो दोस्तों मैं अभी काट रहा हूँ। दोस्तों देखिए चिकी तो बना दी मैंने, लेकिन राकेश जी ने राकेश जी ने ना पूरा दबा दबा के थाली में चिपक गया है, और वो अभी अस्या से निकालना पड़ रहा है, क्योंकि इतना अच्छा बनाई थी। लेकिन देखिए देखिए, हे भगवान, पूरा थाली तोड़ने वाला है लग रहा है, बहुत दिक्कत वाला काम कर दिया। हाँ तो इसने है ना बहुत चम्मच से टिप टिप के है ना, जो मैं इसको तेल से ग्रीस किया था, बहुत मजा आया दोस्तों निकालने में। लेकिन तेल है ना ऊपर कर दिया, इसकी वजह से इसका इतना प्रॉब्लम होने लगा है, और चिक्की अभी है ना वो पूरी जम गई इसमें थाली में, जो तेल लगाया था ना वो बाहर निकल आया दोस्तों। तेल है ना इसने बाहर निकाल दिया कूट कूट के टिप टिप के, इसके वजह से ऐसा दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो जरूर देखना, कितना मजा आ रहा है राकेश निकाल रहा है आज। देखिए दोस्तों बर्फी की तरह टुकड़ा बना लिया है, देखो बहुत सारा दोस्तों मेहनत लगा है मेरे को ये बर्फी का टुकड़ा बनाने के लिए। दोस्तों देखो देखियो पसीने पसीने निकल आए दोस्तों, लेकिन खाने में बहुत टेस्ट लगता है दोस्तों, मैं खा के देखता हूँ अभी। इतना टेस्ट के सुनाई दे रहा है, आराम से खाना पड़ेगा, दांत भी गिर जाएगा, से खाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है और कड़क कड़क मस्त लगती है। दोस्तों देखिए हमारे मम्मी रोटी बनाना चालू कर दिया है, आप लोग देखिए अभी स्टार्ट किया है दोस्तों, ये आटा कैसे घोल रही है, ये देखिए कैसे आटा मस्त घोल रहे है, अभी डालेगी तावे पे दोस्तों, और ऐसे करके, अरे भगवान तावा गरम नहीं हुआ है क्या, बहुत ज़्यादा गरम हो गया इसके लिए ऐसा हुआ। देखिए मस्त रोटी बन गई दोस्तों, देखिए हमारे मम्मी ऐसे रोटी बनाती है। आज उड़द की दाल बनेगी दोस्तों, उड़द की दाल बनेगी, अभी उर्मिला बनाने जा रही है उड़द की दाल दोस्तों, बर्तन कर लेती हूँ थोड़ी देर, तब तक बर्तन साफ कर लेती है उर्मिला। हेलो दोस्तों देखिए चिक्की बहुत मस्त बन गई है, कड़क है देख, कड़क है लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया आता है दोस्तों, कड़क है लेकिन टेस्ट अच्छा आता है। क्या देखिए फाइनली सब आ गए हैं, तो इधर में शैलेश भाई है, उसकी सुपुत्री की नारी है, और सब सुनने लगे हैं क्योंकि मम्मी जी है और ये काकी जी भी इधर में बैठी है कोने में, और राकेश जी लेके आ गया। देखिए निकुंज दोस्तों ये काजू की चिक्की बनाई है, अभी इन लोगों को दे रहा हूँ, अभी देखते हैं कैसे ये खाते हैं लोग दोस्तों। तो ये लोगों का रिएक्शन हम लोग दिखा रहे हैं, तो अभी देखिए इधर में ये लोग टेस्ट करेंगे तो बताएंगे कैसे खाना है। और ये देखिए दोस्तों अभी मैं भी खा के दिखता हूँ, एकदम फूल की तरह फूटता है। तो देखिए इधर में सब खाने के लिए बैठ गए हैं, और ज्यादा दोस्तों कड़क हो गई है लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया है। हाँ तो देखिए सब खाने के लिए बैठे जिंदगी में पहली बार ऐसा चिक्की खाया है लेकिन कड़क मस्त, ये तो आराम से बैठ के खाने में मजा रहेगा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा ही चबाने का, थोड़ा आराम से इसका मतलब टाइम पास करना है, टाइम पास करने के लिए ये चीज है दोस्तों। निकल क्या कर रहा, वो मुंह में डाल के चूस रहा है, लेके जा ये है ना, ये देखिए एक लेके जा मम्मी के लिए, दादा के लिए, एक दादा के लिए, एक किलो मम्मी ला लीजिए, एक तो काफी हो जाएगी, एक और ले ले मम्मी के लिए, एक मम्मी के लिए।
देखिए इधर मैं सब खा रहे हैं तो मैं भी थोड़ा टेस्ट करने के लिए ले ली हूँ। लेकिन मजा आती है खाने में दोस्तों, ऐसे बातचीत करते जाओ और खाते जाओ दोस्तों। किन्नरी देखिए, किन्नरी बहुत ज्यादा हंस रही है। किन्नरी दांत से टूट नहीं रहा इसके लिए हंस रही है। बहुत मस्त दोस्तों, देखिए ये लोगों ने खा लिया है तो अभी फिलहाल अपने अपने घर जाने लगे हैं। किन्नरी भी मम्मी के लिए और भाई के लिए लेके जा रहा है और शैलेश भाई भी गया। राकेश जी इधर से बैठ के हंस रहा है। दोस्तों हम लोगों ने चिक्की खा लिया और ये लोग खा रहे हैं, हमारे मम्मी और फुआ और इधर में उर्मिला जी खा रहे हैं अभी भी और मैं तो खा लिया दोस्तों। दोस्तों चिक्की अच्छा था लेकिन थोड़ा कड़क हो गया, इसके लिए थोड़ा दिक्कत वाला काम हो गया दोस्तों, लेकिन दूसरी बार बनाएंगे तो अच्छा ही बनेगा दोस्तों। आज का चिक्की कड़क हो गया दोस्तों, काजू का चिक्की मस्त बनाया था, काजू डाला था, बादाम डाला था ऊपर में दोस्तों, लेकिन क्या करे नसीब अच्छा नहीं रहा दोस्तों। नसीब अच्छा नहीं रहा दोस्तों। कैसे चबा रही है, बहुत अच्छा और हंसने वाला जैसा काम हो गया, लेकिन कुछ नहीं अच्छा है। वीडियो यादगार बन गया आज का वीडियो दोस्तों, यादगार बन गया। दोस्तों देखिए उड़द की दाल, काली उड़द की दाल बनाई है हम लोगों ने, देसी उड़द है ना तो वही बनाए हैं, तो उधर मैं दे दी हूँ। और ये मिर्ची भुजी है और ये चावल की रोटी है, इधर मैं पापा जी को दे दी हूँ और वहाँ पर मम्मी के लिए भी रखी हूँ और ये राकेश जी के लिए है तो उसको भी दे देती हूँ। दोस्तों तो दोस्तों हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं, मस्त उड़द की दाल है, गुणदार दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अभी खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना और हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों जय हिंद, जय आदिवासी। दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।